और धरती पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। आने वाले दिनों में किसी भी वक्त सौर तूफान धरती से टकरा सकता है, जिसके कई साइड इफेक्ट हो सकते हैं। नासा समेत दूसरी एजेंसीज ने सोलर स्टॉर्म के खतरे से जुड़ा अलर्ट भी जारी कर दिया है। सोलर स्टॉर्म के कारण पूरी दुनिया में एक साथ ब्लैकआउट हो सकता है, सारे मोबाइल एक साथ काम करना बंद कर सकते हैं, दुनिया भर के रेडियो सिग्नल भी ठप पड़ सकते हैं। सूरज पर सुनामी, धरती पर तबाही तूफानी। धरती से टकराने को तैयार सोलर स्टॉर्म। आसमान से बरसेगी हाहाकारी आफत। धरती पर रोशनी भेजता सूरज अब आग के गोले बरसा रहा है, जो सौर तूफान की शक्ल में धरती से किसी भी वक्त टकरा सकते हैं। यानी धरती की तरफ एक बड़ा खतरा लगातार बढ़ रहा है, जिसे सोलर स्टॉर्म कहा जा रहा है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये सोलर स्टॉर्म है क्या, जो अचानक से पृथ्वी के लिए खतरा बन गया। दरअसल सौर तूफान को जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म या सोलर स्टॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। ये सूर्य से निकलने वाला रेडिएशन होता है, जो धरती के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है, जिसकी वजह से धरती का मैग्नेटिक रेडिएशन और गर्मी बढ़ जाती है। सौर तूफान उस समय आता है जब सूरज अपने करीब 11 साल लंबे सौर चक्र के सबसे सक्रिय चरण में प्रवेश करता है। ये वही वक्त है जब सूर्य सौर मैक्सिमा तक पहुँच जाता है, जिसके चलते सूर्य के केंद्र से आग के गोले निकलने लगते हैं, जिन्हें कोरोनल मास इजेक्शन यानी CMI कहा जाता है। स्पेस साइंटिस्ट जिसे CMI बता रहे हैं, वही एक साथ इकट्ठा होकर सौर तूफान में बदल जाते हैं, जो रास्ते में मिलने वाले दूसरे CMI से जुड़ते जाते हैं। CMI सूर्य से निकलने वाला मलबा होता है। इससे पहले कि इस पर धूल जमती, अगले ही दिन सूर्य के कई और आग के गोले यानी CMI निकले, जिसके बाद कई और CMI आपस में जुड़ते रहे। अब ये तेजी से धरती की तरफ बढ़ रहे हैं। धरती में स्टॉर्म सुना है, ऑफ कोर्स दिल्ली में स्टॉर्म उतना नहीं आएगा, मे बी आंधी आएगा बट स्टॉर्म नहीं आएगा। बट आप ओडिशा कोस्ट जाओ और तमिलनाडु कोस्ट में, नहीं तो गुजरात कोस्ट में स्टॉर्म आएगा। सन से सोलर विंड आता है। वो विंड क्या है? सोलर के सन के अंदर थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन में हाइड्रोजन एटम्स इकट्ठा होके हीलियम बन रहा है। आग के गोले से बना सौर तूफान पृथ्वी से टकरा सकता है, और ऐसा अगले एक दो दिन में होने की आशंका है। कुल मिलाकर सोलर स्टॉर्म ऊर्जा का वो शक्तिशाली विस्फोट है, जो रेडियो संचार, बिजली के ग्रिड और नेविगेशन सिग्नल्स को प्रभावित कर सकता है, और अंतरिक्षयान और अंतरिक्ष यात्रियों के लिए भी जोखिम पैदा कर सकता है। तूफान का असर धरती के आसपास के वातावरण की ऊर्जा पर पड़ता है। हालांकि सौर तूफान पहली बार नहीं आ रहा, बल्कि इससे पहले भी आ चुका है। साल 1989 में जब सोलर स्टॉर्म आया था, तब कनाडा के क्यूबेक शहर को इसने प्रभावित किया था। वहाँ 12 घंटे के लिए बिजली चली गई थी। वहीं इससे पहले सौर तूफान साल 1859 में भी आया था। इसकी वजह से उस वक्त अमेरिका और यूरोप में टेलीग्राफ नेटवर्क तबाह हो गया था। हालांकि साल 2021 में कई सारी सौर गतिविधियां देखी गई थीं, लेकिन कोई बड़ा सोलर स्टॉर्म नहीं आया था। इस बार नासा और दूसरी एजेंसियां इसलिए भी डरी हुई हैं, क्योंकि सौर तूफान की तीव्रता इस बार ज्यादा है, जिसकी वजह से ये मोबाइल फोन के सिग्नल तक को प्रभावित कर सकता है। इससे ब्लैकआउट का भी खतरा है। सन के ऊपर समटाइम्स कोरोनल इजेक्शन करके उसको बोलता है। सो सन के ऊपर एक एक्टिव होके उसे बाहर से निकलता है। उसका तेज बहुत तेज होता है। ये लगभग 750 मीटर पर सेकेंड, तो वो 1500-2000 उस तरह से होता है। कितना स्ट्रांग में वो होता है, उतना स्ट्रांगेस्ट स्ट्रांग स्ट्रांग को क्लासिफाई करता है G1 से G5 तक। अभी होने वाला स्ट्रॉम लगभग G2-G3 के आसपास है। इस तरह से स्ट्रॉम बहुत होता ही रहता है। एक साल में कम से कम 30 टाइम ही इस तरह से होता है। बट वो सभी स्ट्रॉम अर्थ के डायरेक्शन में नहीं होगा। सो इसका मतलब है अर्थ के डायरेक्शन में नहीं होगा, बिकॉज सन किसी साइड में भी वो स्ट्रॉम आ सकता है ना। सौर तूफान की तीव्रता को जीवन द्वारा नापा जाता है, जिसकी संख्या 1 से 5 तक होती है, जिसमें जीवन को कम खतरनाक और 5 को अधिक खतरनाक माना जाता है। अगर जीवन का तूफान आता है, तो ये सैटेलाइट के संचालन को प्रभावित कर सकता है, और अन्य हल्के प्रभावों के बीच बिजली ग्रिड में परेशानी पैदा कर सकता है। अगर G2 स्तर का तूफान आता है, तो ये ट्रांसफार्मर को तबाह कर सकता है, अंतरिक्ष यान के संचालन में बाधा उत्पन्न कर सकता है,
और रेडियो सिग्नल्स को बाधित कर सकता है। जो सौर तूफान धरती की तरफ बढ़ रहा है वो G2 ग्रेड का बताया जा रहा है, यानी कुछ इलाकों में ब्लैकआउट हो सकता है, मोबाइल सिग्नल जाम हो सकते हैं। टीम न्यूज़ नेशन।